हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी चैम्स का एक बार फिर से एसएससी स्कॉलर्स के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो है सीटिंग अरेंजमेंट पर बेस्ड, यानी कि बैठक व्यवस्था। ठीक है, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कितने टाइप्स की सीटिंग अरेंजमेंट होती है, क्या क्या इसमें जो इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे कि एंड, बट, हु, हूज, इन सभी का क्या यूज़ है, क्या इनका मतलब है, क्या इनमें टिप्स यूज होती हैं, क्या इनमें ट्रिक्स यूज की जाती हैं। इसी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको इसको जो सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस में मिलती हैं उनका क्या मतलब है, उनका क्या यूज़ है, वो सब जानेंगे। सभी से रिलेटेड ट्रिक्स वगैरह जो भी होंगी मैं साथ के साथ आपको बताता चलूंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था, यानी बैठने के लिए व्यवस्था करनी है आपको। कितने तरीके की? सिर्फ तीन तरीके की व्यवस्था यहाँ पर आपको समझनी है। पहली सर्कुलर, ठीक है, दूसरा आपको समझना है स्क्वायर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, तीसरा आपको रो और कॉलम अरेंजमेंट समझना है। तीनों को एक एक करके समझेंगे, ठीक है। उससे पहले मैं आपको जो है दो टिप्स यहां पर देना चाहता हूं। सिटिंग अरेंजमेंट करने के लिए दो चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। पहली चीज याद रखिए कि आपको हर पर्सन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी है, एक प्रॉपर डायरेक्शन देनी है। प्रॉपर डायरेक्शन का मतलब क्या है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। यानी कि अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि किसी पर्सन को बैठाना है तो उसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होनी चाहिए, यानी कि आपको पता होना चाहिए वो नॉर्थ में बैठा है या साउथ में बैठा है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो है कोशिश कीजिए कि पर्सन्स को आप जस्ट आमने सामने बैठा सकें। यानी मान लीजिए क्वेश्चन बोल रहा है कि दो पर्सन्स को बैठाना है, दो पर्सन्स के लिए अरेंजमेंट करना है, तो कोशिश कीजिए दोनों आमने सामने बैठें। अगर चार पर्सन्स का अरेंजमेंट करना है तो कोशिश कीजिए दो इधर बैठे हैं तो दो उनके सामने होने चाहिए जस्ट, ठीक है। ये दो की पॉइंट्स आपको याद रखने हैं सिटिंग अरेंजमेंट में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका कोई सा भी अरेंजमेंट होगा, सर्कुलर अरेंजमेंट हो, स्क्वायर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हो या रो कॉलम अरेंजमेंट हो, ये दोनों की पॉइंट्स पूरे सिटिंग अरेंजमेंट में आपके काम आने वाले हैं। देखिए, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि जिस फॉर्मेट में मैं आपको नोट डाउन करा रहा हूँ सेम अगर उसी फॉर्मेट में आप अपने लिए नोट्स बनाएंगे, सेम लैंग्वेज में बनाएंगे तो आपके लिए आसान होगा लॉन्ग टर्म के लिए इसे याद करना। सिटिंग अरेंजमेंट के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको अगर आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, सर्कुलर अरेंजमेंट से नाम से पता चल रहा है आपको क्या करना है, पर्सन्स को गोलाकार में बैठाना है। तो सबसे पहले आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि इसमें बैठाना है, बैठाएंगे कैसे? मान लीजिए क्वेश्चन आपसे बोलता है कि एक पर्सन को बैठाना है, तो सबसे पहली चीज कि जो आपकी स्टार्टिंग पोजीशन होगी, जो आपका सबसे पहले बंदा बैठेगा वो कहाँ पर बैठेगा? वो आपका हमेशा नीचे बैठेगा, यहाँ पर बैठेगा, ठीक है। आपने बैठा दिया, एक पर्सन बोला, आपने बैठा दिया। अब मान लीजिए दो पर्सन आपसे बोला, याद रखिए मैंने बोला प्रॉपर डायरेक्शन होनी चाहिए हर एक पर्सन की। यहाँ पर अगर इस फिगर के रिस्पेक्ट में मैं देखूं तो इसकी क्या डायरेक्शन इस पर्सन की, ये कहाँ बैठा है फिगर के? साउथ में बैठा है। देखिए, मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दी है उसे। अब यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन बोले कि दो पर्सन्स को बैठाना है, तो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी चाहिए कि हमें क्या कोशिश करनी है कि पर्सन्स को आमने सामने बैठाएं। तो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे पर्सन को बिल्कुल इसके बगल में यहाँ बैठा देंगे या फिर कहीं भी बैठा देंगे, कोशिश कीजिए जस्ट अपोजिट में, ठीक है। इस तरीके से ये आपने बैठा दिया दूसरा पर्सन। अब देखिए, आप इस तरीके से आपसे क्वेश्चन बोलेगा दो बैठाने या चार बैठाने, आप बैठा देंगे। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर्कुलर अरेंजमेंट तो हो गया, लेकिन इसमें दो केस बनते हैं आपके, क्या हो सकता है? देखिए, ये आपकी कोई सर्कुलर टेबल है, ये होगा उसका सेंटर, ठीक है, जरूर होगा सेंटर। दो केस बन सकते हैं कि या तो आप उनका फेस सेंटर की तरफ करके बैठा दें, या फिर हो सकता है कि आप उनका फेस जो है टेबल से बाहर की तरफ करके बैठा दें, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में करके बैठा दें। दोनों केस हो सकते हैं। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में जो है आपके दो केस बनते हैं। समझने के लिए हमने दो टेबल बना ली हैं, ठीक है। दोनों ही टेबल हमारी कैसी हैं? सर्कुलर हैं, यानी कि अरेंजमेंट कैसा होगा? दोनों में सर्कुलर होगा। लेकिन देखिए डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पर भी हम दो बंदों को बैठा देते हैं, यहाँ पर आपका जो केस बनता है वो आपका बनता है फेसिंग इनसाइड का, और दूसरी तरफ आपका केस जो बनता है वो बनता है फेसिंग आउटसाइड का। देखिए अब यहाँ पर किस तरीके से होगा, फेसिंग इनसाइड है तो यानी कि आप किस तरीके से बैठा देंगे, इस तरीके से अंदर की तरफ एरो लगा दीजिए। यानी कि ये एरो क्या शो कर रही है, इसका हेड शो कर रही है, इसका सिर को जो है ये दर्शा रही है। फेसिंग इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ मुँह है, ठीक है, इसका भी अंदर की तरफ मुँह है। इनके फेसिंग आउटसाइड यानी कि फेस जो इनका बाहर की तरफ है तो बाहर की तरफ एरो लगा दीजिए, ये देखिए, ठीक है। दो पर्सन्स का आपने अरेंजमेंट कर लिया बहुत ही आराम से। अब मान लीजिए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई एट पर्सन्स का जो है प्लेसमेंट कीजिए। एट पर्सन्स का आपको प्लेसमेंट करना है सेम वही फॉर्मेट है कि दो बंदे आपने बैठा दिए, एक नॉर्थ में बैठा दिया, एक साउथ में बैठा दिया। अब बचे हुए जो हैं आपके, टोटल आपको आठ बैठाने हैं, दो बैठा दिए, तीसरा आप यहाँ बैठाएंगे, ठीक है। कौन सी डायरेक्शन? ईस्ट, फिर वेस्ट, इसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपकी हो जाएगी नॉर्थ ईस्ट। इसी तरीके से जो है आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देनी है,
हर बंदे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन देंगे आप, ठीक है। इसके बाद सभी जो हैं आपके अंदर की तरफ फेस करके बैठे हैं, फेसिंग इनसाइड हैं, तो सबकी तरफ जो है एरो क्या होगा, अंदर की तरफ लगा दीजिए। इससे आपको क्या होगा, आसानी होगी याद रखने में, फेसिंग इनसाइड हो गया। इसी तरीके से आठ बंदे आपको बैठाने होंगे तो आप यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, ठीक है। दो की पॉइंट्स जो मैंने बताए इनका तो हमेशा ही ध्यान रखना है, कोई सा भी अरेंजमेंट हो आपका, ठीक है। क्योंकि देखिए ज़रूरत ये है, अब मान लीजिए यहाँ पर आपको कोई बंदा बैठा दिया, मान लीजिए राहुल नाम का यहाँ पर कोई बंदा बैठा है और क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि बताइए राहुल के अपोजिट में जो बंदा बैठा है उसका नाम क्या है, तो अगर आप अपोजिट में बैठाएंगे ही नहीं तो उसका नाम बता कैसे पाएंगे, ठीक है। कोशिश करनी है अपोजिट में बैठाएं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है उन्हें दें। अब मैंने आपको बता दिया कि जब भी आपको स्टार्ट करना होगा आप कौन से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, सबसे पहला पर्सन आप यहाँ पर बैठाएंगे, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है, फेसिंग इनसाइड हो या फेसिंग आउटसाइड हो। अब स्टार्ट आपने यहाँ से कर दिया, ठीक है, ये आपने बंदा बैठा दिया। अब क्वेश्चन आपसे बोलेगा कि इसके लेफ्ट में ये बैठा है, राइट में ये बैठा है, तो अगर आपको इसका लेफ्ट राइट पता करना है उसके लिए कुछ की पॉइंट्स मैं आपको नोट डाउन करा देता हूँ, आप भी अपनी कॉपी में नोट करेंगे साथ के साथ। तो देखिए फेसिंग इनसाइड में आपको अपने आप को इमेजिन कर लेना है, क्या मानना है आपको, ये जो बंदा बैठा है मान लीजिए ये आप ही बैठे हैं, जिस डायरेक्शन में अभी आप बैठे हैं सेम उसी डायरेक्शन में ये बंदा बैठा है अगर फेसिंग इनसाइड है, यानी कि आपका जो लेफ्ट है इसका लेफ्ट होगा, आपका जो राइट है वो इसका राइट होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं तो देखिए आपका राइट ये है, यही इसका राइट होगा, आपका लेफ्ट ये है, यही इसका लेफ्ट होगा। अब क्वेश्चन आपसे बोले कि इसके लेफ्ट में आपको जो है बी नाम के पर्सन को बैठाना है, तो इसका लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा। यहाँ पर आपको बी जो है बैठाने में आसानी होगी, यहाँ पर आपको पता चल गया कि इसका लेफ्ट कौन सा है, राइट कौन सा है। वहीं अगर मैं बात करूँ फेसिंग आउटसाइड की, तो मान के चलिए कि ये जो पर्सन आपने बैठा है सबसे पहला पर्सन, ये आपके जस्ट अपोजिट बैठा है, यानी कि बिल्कुल आपके सामने बैठा हुआ है, आपकी तरफ फेस करके बैठा हुआ है, अपोजिट बैठा हुआ है, यानी कि आपका जो राइट है वो इसका लेफ्ट होगा और आपका जो लेफ्ट है वो इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया, आपका राइट है इसका लेफ्ट हो गया, ये आपका क्या है लेफ्ट है तो ये इसका राइट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप जो है आसानी से सर्कुलर अरेंजमेंट का कोई भी क्वेश्चन है वो कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हमारे पास दो चीज़ निकल कर आती हैं, शायद आपने नोटिस की है या नहीं की है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जब भी आपका फेस नॉर्थ की तरफ होगा, चाहे सर्कुलर अरेंजमेंट में हो, चाहे स्क्वायर अरेंजमेंट में हो, रेक्टेंगल में हो, रो में हो, कॉलम में हो, जब भी आप फेस नॉर्थ की तरफ करके बैठेंगे या आपका जो पर्सन है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है, तो मान लीजिए आप खुद बैठे हैं, ठीक है, बिल्कुल आप जो आपका राइट है वही उस पर्सन का राइट होगा, जो आपका लेफ्ट होगा वही उस पर्सन का। देखिए इस तरीके से यहाँ से ये चीज़ पता चलती है, जब भी आपका फेस नॉर्थ की तरफ, मान लीजिए आप खुद बैठे हैं वहाँ पर, आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट, आपका राइट उसका राइट, जब भी आपका फेस साउथ की तरफ होगा, देखें यहाँ पर इसका फेस क्या है, साउथ की तरफ, तो आपके जस्ट अपोजिट उसके राइट लेफ्ट होंगे। बहुत ही कन्फ्यूजिंग होता है राइट लेफ्ट चूज़ करना, ये जो है आप याद रखेंगे और आपके काम आएगा, ये बहुत ही आसान कर देगा क्वेश्चंस को। देखिए इसी के साथ जो हमारा सर्कुलर अरेंजमेंट खत्म हो गया, दोनों केस इसके खत्म हो गए, फेसिंग इनसाइड फेसिंग आउटसाइड, इससे बाहर कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, समझने के लिए कुछ है भी नहीं। इसके बाद चलते हैं देखिए स्क्वायर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट पर। देखिए सर्कुलर अरेंजमेंट की तरह ही स्क्वायर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में भी आपके दो केस बन सकते हैं, क्या, पहला आपका बन सकता है फेसिंग इनसाइड, दूसरा आपका बन सकता है फेसिंग आउटसाइड। फेसिंग इनसाइड यानी कि जैसे मान लीजिए आपका क्या दे रखा है, एक रेक्टेंगल दे रखा है, ठीक है, सेम इसी फॉर्मेट में स्क्वायर होगा, यहाँ पर जो है डायमेंशंस का कोई भी फर्क आपको नहीं पड़ने वाला, स्क्वायर रेक्टेंगल एक ही बात मानकर चलिए यहाँ पर, ठीक है। मान लीजिए आपको एक पर्सन बैठाना है, ठीक है, मैंने आपको बताया सबसे पहले कहाँ पर बैठाएंगे, सबसे पहले नीचे बैठाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब मान लीजिए ये फेसिंग इनसाइड है, ठीक है, फेसिंग इनसाइड है, ये लीजिए फेसिंग इनसाइड कर दिया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है दो पर्सन को बैठाइए, ठीक है, ये बैठा दिए दो पर्सन। अब आपसे क्वेश्चन बोल रहा है चार पर्सन बैठाइए, तो चार किस तरीके से बैठाएंगे, एक यहाँ पर बैठा दीजिए, एक यहाँ पर बैठा दीजिए। डायरेक्शंस और अपोजिट जो आपको दो टिप्स दी थी उनका याद रखना, उनका ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। चार बंदे बैठ गए, फेसिंग इनसाइड है, ठीक है। अब अगर आपसे क्वेश्चन बोलता है कि छः पर्सन बैठा दीजिए, तो छः पर्सन जो है आप इस तरीके से डायगनली अपोजिट बैठा सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप ये दोनों चूज़ करें या फिर ये दोनों चूज़ करें, ये आपकी मर्जी होगी, ठीक है।
क्वेश्चन में उसमें या फिर हो सकता है कोई कंडीशन दे दे आपको। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि 8 पर्सन को बैठाना है, तो 8 पर्सन कैसे बैठेंगे, देखिए यहाँ पर एक बंदा बैठेगा और एक बंदा आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक है। 8 पर्सन आपने बैठा दिए, इससे ज़्यादा का क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। 8 पर्सन आपने बैठा दिए, सभी क्या है, फेसिंग इनसाइड है, फेसिंग इनसाइड है। स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है आपका, ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट। यानी कि अब मैंने आपको क्या बताया था कि तब भी फेसिंग इनसाइड हो और ऊपर से नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है, नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठा है, यानी कि आप बैठे हैं, आपकी पोजीशन है ये, यानी आपका राइट इसका राइट, आपका लेफ्ट इसका लेफ्ट, ठीक है। यहां से स्टार्ट कीजिए और क्वेश्चन जैसे जैसे बताता जाए कि राइट में कौन बैठा है लेफ्ट में कौन बैठा है उन्हें प्लेसमेंट करते जाइए, ठीक है। फेसिंग इनसाइड हो गया, अब मैं आपको क्या करूंगा, देखिए फेसिंग आउटसाइड में क्या होगा, बस इनका फेस जो है ये बाहर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। जो आपको सर्कुलर में टिप्स लिखवाई थी वही 3 टिप्स यहां पर जो है काम आएगी, वो मैं आपको नोट करा देता हूं दोबारा से। ये लीजिए, आप अगर इनसाइड फेस करके बैठा रहे हैं तो बिल्कुल सेम एज यू, यानी कि बिल्कुल आप बैठे हैं ये समझ लीजिए, आपका राइट राइट होगा, आपका लेफ्ट लेफ्ट होगा। वहीं अगर आउटसाइड फेस करके बैठाया गया है तो आपके जस्ट अपोजिट आपका राइट लेफ्ट हो जाएगा उसका, और आपका लेफ्ट उनका राइट हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट आपका फिनिश हो गया। इसके बाद आपका आता है रो कॉलम अरेंजमेंट। रो कॉलम अरेंजमेंट क्या है, देखिए जब भी आपसे बोले कि आपको जो है एक पड़ी हुई लाइन यानी कि लेटी हुई लाइन पे अरेंजमेंट करना है, लेटी हुई लाइन पे बंदों को बैठाना है, तो वो आपका हो जाएगा रो अरेंजमेंट। वहीं अगर खड़ी हुई रो में बैठाना है, खड़े हुए जो, देखिए लेटी हुई अगर कोई लाइन है तो उसे हम बोलेंगे रो, ठीक है। खड़ी हुई अगर कोई लाइन है उसे हम बोलेंगे कॉलम। तो अगर आपको लेटी हुई लाइन पर बैठाना है तो रो अरेंजमेंट हो गया, अगर आपको खड़ी हुई लाइन पर बैठाना है तो वो क्या हो गया, कॉलम अरेंजमेंट हो गया। देखिए यहाँ पर मैं आपको रो अरेंजमेंट से समझा देता हूँ, उसी से आप जो है कॉलम अरेंजमेंट आराम से समझ जाएंगे। अब देखिए रो की अगर मैं बात करूँ, ये हो गई आपकी रो, क्योंकि ये क्या है, लेटी हुई लाइन है। अब इसमें आपको हो सकता है एक रो दे तो आपसे बोलेगा कि यहाँ पर बंदे बैठाने हैं, आपको कंडीशंस दे दी, आपने बंदे बैठा दिए, मान लीजिए 4 बंदे बैठाने के लिए बोला, एक यहाँ बैठ गया, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर और चौथा यहाँ पर। अब देखिए क्वेश्चन में बोला गया है इन सभी का फेस कैस किधर की तरफ है, नॉर्थ फेसिंग, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग है ये, तो इसलिए हमने जो है ये सबको फेस जो है इनका नॉर्थ की तरफ कर दिया। यहीं पर आपको जो क्वेश्चन है वो इस तरीके से भी आ सकता है कि दो रो हैं पैरेलल एक दूसरे के और उनमें आपको बंदे को बैठाना है, तब क्या होगा, ये लीजिए दूसरी पैरेलल रो भी आपको मिल गई। अब यहाँ पर आपको बंदे बैठाने हैं और क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका फेस जो है वो साउथ की तरफ है, यानी कि ये बंदे साउथ फेसिंग है। यहाँ पर देखिए जब भी आपको इस तरीके से बोलेगा तो दोनों रो में ज़्यादातर केस क्या होंगे कि पर्सन सेम होंगे, यानी अगर ऊपर वाली रो में 4 बंदे बैठे हैं तो नीचे वाली में भी 4 बैठेंगे। तो आपको करना क्या है, ऐसा नहीं है कि आपने एक बंदा यहाँ पर बैठा है, दूसरा बंदा यहाँ, और इस रो में आप पहला ही बंदा यहाँ बैठा दें बीच में, नहीं, यहाँ पर पहला बंदा अगर बैठा है तो इसी की सीध में आपको पहला बैठाना है, दूसरे की सीध में दूसरा बैठाना है, तीसरे के लिए तीसरा और चौथे के लिए चौथा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, रो अरेंजमेंट हो या फिर कॉलम अरेंजमेंट हो, आपको एक दूसरे के जस्ट सामने, कोशिश करनी है कि जस्ट सामने बैठा पाएं। देखिए ऊपर वाले आपके हो गए नॉर्थ फेसिंग, नीचे वाले हो गए साउथ फेसिंग। अगर सिंगल रो देता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस तरीके से एक रो कर दीजिए। अगर बोलता है 2 पैरेलल रो में बैठाने हैं, 3 पैरेलल रो में बैठाने हैं, तो किस तरीके से बैठाएंगे वो भी मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर भी आपके 2 केस बनते हैं, वो क्या है, ये देखिए ये जो बंदा है ये नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं इस रो के सभी बंदे, और ये बंदे क्या हैं, ये साउथ की तरफ फेस करके बैठे हैं, यानी के केस क्या हो गया, ये जो दोनों रो के बंदे हैं ये क्या हैं, फेसिंग अपोजिट ईच अदर, यानी एक दूसरे से अपोजिट फेस कर बैठे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में फेस करके बैठे हैं। तो एक केस हो गया आपका फेसिंग अपोजिट का। यहीं पर दूसरा केस आपका बनता है फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ मुँह करके बैठे होंगे। ये लीजिए 2 रो आपको मिल गई, अब इनमें आपको बंदे बैठाने हैं, वो भी एक दूसरे की तरफ फेस करके, फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो यानी क्या होगा, देखिए ऊपर वाले बंदे जो होंगे वो साउथ फेसिंग अगर हो जाएं, ये देखिए ये अगर ऊपर वाले बंदे आपके साउथ फेसिंग हो गए, यानी इनका फेस किधर की तरफ है, साउथ की तरफ है, और नीचे वाले जो बंदे हैं इनका फेस हो जाएगा नॉर्थ की तरफ अगर, तो देखिए इस तरीके से हो जाएगा अरेंजमेंट,
ये तीसरा और ये चौथा बंदा, ठीक है। इस तरीके से अरेंजमेंट हो गया, यानी कि क्या हुआ, देखिए यहाँ पर जो आपके ये अरेंजमेंट हुआ है इनमें बंदे क्या हैं, एक दूसरे की तरफ फेस करके बैठे हैं, यानी कि केस क्या हो गया, फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर, यानी एक दूसरे की तरफ मुंह कर बैठना, फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर। तो ये दो केस आपके बनते हैं, जिस टाइप से रो अरेंजमेंट में ये दो केस बने उसी तरीके से कॉलम अरेंजमेंट में भी यही दो केस आपके बनने वाले हैं। बस अंतर इतना होगा, यहाँ पर क्या है, आपकी जो लाइंस हैं वो लेटी हुई हैं इसलिए आपने रो बोल दिया उन्हें, कॉलम अरेंजमेंट में क्या होगा, खड़ी हुई लाइन हो जाएंगी। यहाँ पर नॉर्थ साउथ फेसिंग है, वहाँ पर क्या होगा आपका ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग बोल देगा। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं अपने इम्पोर्टेंट कनेक्टर्स और इम्पोर्टेंट वर्ड्स, उनको समझते हैं, उनका यूज़ क्या है, उनका मतलब क्या है, क्या उनमें हम टिप्स और ट्रिक्स लगाकर याद कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए मैंने एक एग्जांपल लिया है, एग्जांपल है हमारा बी हु इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी। अब देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो यहाँ पर क्या मतलब निकलता है, देखिए हिंदी में ये बनेगा बी जो कि बैठा हुआ है ए के इमीडिएट लेफ्ट में। अब देखिए ये जो हैं आपके वर्ड्स, ये जैसे हु है आपका, ये क्या है, ये कनेक्टर है, ठीक है। बार बार अब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको एट पर्सन्स के अरेंजमेंट के लिए बोला गया, आठ बंदे बैठाने आपको, अब आठ बंदों के लिए कंडीशंस भी होंगी पाँच दस। अब पाँच दस कंडीशन में क्वेश्चन क्या करता है, एग्जामिनर क्या करता है कि आपको बार बार नाम ना लिख कर उनकी जगह पर ये यूज़ कर देता है, ठीक है, हु यूज़ कर दिया, एंड यूज़ कर दिया, देखें यहाँ पर तो इनका यूज़ कर दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पर एंड लगा हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये ए के लिए बात की गई है आगे वाली या बी के लिए की गई है। इसी को समझने के लिए हम इम्पोर्टेंट कनेक्टर्स और वर्ड्स को देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन को अगर मैं सोल्व करूँ तो पहले लिखा है बी जो कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। अब बी को आप जो है ए के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा दीजिए, देखिए ए के लेफ्ट में ए आपने ये बैठा दिया, ठीक है। अब इसके इमीडिएट लेफ्ट यानी कि बिल्कुल चिपक के जो आपका लेफ्ट होगा, ठीक है, लेफ्ट तो आपका यहाँ तक ये ए का लेफ्ट ही लेफ्ट है, ठीक है, लेकिन बोला क्या गया इमीडिएट लेफ्ट, इमीडिएट लेफ्ट यानी कि बिल्कुल बगल वाला। तो यहाँ पर लेफ्ट में ए के आपने बैठा दिया बी को, ठीक है, ये आपको पता चल गया। अब आगे लिखा है एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ सी, अब ये एंड आपको नहीं पता, ये आपसे बोला गया है कि सी के बगल में बिल्कुल राइट में, यानी सी के राइट में बैठाना है किसी को। अब ए को सी के राइट में बैठाना है या बी को सी के राइट में बैठाना है, ये कैसे पता चलेगा, बहुत कन्फ्यूजन है। तो देखिए इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स देख लेते हैं हम, इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स में सबसे पहले एंड आता है आपका और बट आता है, वहीं पर दूसरे आपके होते हैं हु, हुम और हुज, इन दो पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए। समझने के लिए देखिए मैं आपको बताता हूँ एंड और बट का यूज़ आप किसके लिए करते हैं। अगर ग्रामेटिकली लेके चलूँ मैं तो ये यूज़ किया जाता है फर्स्ट पर्सन के लिए, ठीक है, एंड और बट का यूज़ आप करेंगे फर्स्ट पर्सन के लिए, और हु, हुम, हुज इनका यूज़ किया जाता है सेकेंड पर्सन के लिए। लेकिन अब ग्रामेटिकली आप चलेंगे तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनके लिए ये काम का बिल्कुल भी नहीं रहा, तो मैं आपको बताता हूँ, ट्रिक देता हूँ, ठीक है। एंड और बट अगर सेंटेंस में आ जाए आपको क्या करना है, देखिए एंड बट आए या हु, हुम, हुज आए, जहां पर भी आया उससे अपोजिट डायरेक्शन में उल्टी दिशा में आप चलना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जैसे यहां पर एंड आया, उल्टी दिशा में चलना शुरू कर दीजिए, दौड़ना शुरू कर दीजिए। इसके बाद एंड और बट किसके लिए यूज किया जाएगा, देखिए एंड और बट आता है दूर वाले पर्सन के लिए, दूर वाले पर्सन के लिए, और आपका हु, हुम, हुज आता है पास वाले पर्सन के लिए, ठीक है। अब तो याद करना आसान हो गया ना, जिसे ग्रामर नहीं आती ये उसके लिए है। यानी अगर मैं क्वेश्चन की तरफ चलूं तो मुझे क्या कंफ्यूजन थी कि भाई ये एंड के बाद की जो स्टेटमेंट है ये किसके लिए दी गई है। तो देखिए एंड से आप क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे, यानी कि इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर देंगे। जब चलना शुरू करा तो एंड किसके लिए यूज़ किया जाता है, दूर वाले पर्सन के लिए, यानी दूर कौन बैठा, देखिए ए तो पास में है, दूर कौन है, बी, यानी ये बी के लिए बोल रहा है। तो हमारा क्या है आगे की स्टेटमेंट, बी जो है वो इमीडिएट राइट में है सी के, ठीक है, यानी बी जो है वो इमीडिएट राइट में है सी के, क्लियर हो गया। यानी सी हमारा कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। इसी तरीके से आप इनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, यहीं पर आपके इंपॉर्टेंट कनेक्टर्स और वर्ड्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद अब क्या होता है कि जब आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं सिटिंग अरेंजमेंट के, तो उनमें जो है एक स्पेसिफिक कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी जाती हैं जिन्हें आप नहीं समझ पाते, जो कि कन्फ्यूजिंग होती हैं, उन्हें हम यहाँ पर देख लेते हैं, समझ लेते हैं।
तो ये देखिए, अगर आपको दे दिया जाए ए इज़ बिटवीन बी एंड सी, तो इसका मतलब आप क्या समझते हैं? देखिए ए जो है वो बी और सी के बीच में है, ठीक है, यानी कि ए को बी और सी के बीच में जो है प्लेस करना है। तो ये बी हो गया, ये सी हो गया और ए इनके बीच में हो गया, ठीक है, ये सही होना चाहिए। लेकिन ये क्या है, गलत है। 50% चांस है कि ये हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये जो आपकी कंडीशन है इसके हिसाब से आप जो है इनकी प्लेसमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ए बी और सी के बीच में, लेकिन बी और सी की जो है आपकी पोजीशन वो जो है स्पेसिफिक नहीं है, वो आपको प्रॉपर नहीं दी गई है। ऐसा भी तो हो सकता है, देखें यहाँ पर भी ए जो है वो बी और सी के बीच में ही है, तो यानी कि आप जो है अगर क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ेंगे तो ये जो कुछ स्टेटमेंट है इनकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से आपको दिया गया बी एंड सी आर एडजेसेंट टू ए, यानी बी और सी जो है ए के आसपास हैं या फिर कहें पड़ोसी हैं। तो बात देखिए वही है, ए के पड़ोसी यहां पर भी बी और सी, ए के पड़ोसी हैं यहां पर भी बी और सी, ए के पड़ोसी हैं, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दे पाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, यह चीज याद रखनी है। इसके बाद देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर आपको ध्यान देना है, ए आपको एक क्वेश्चन में अगर बोला जाए कि ए और बी, ए और बी जो है आपके बहुत दूरी पर बैठे हैं, यानी कि ए और बी एक दूसरे से फार्देस्ट पोजीशन पर हैं, यानी कि जितनी दूर हो सकता है उतनी दूरी पर बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो एक दूसरे के अपोजिट बैठे हैं, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स थी। सिटिंग अरेंजमेंट में आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया, गारंटेड है कि दिमाग में आपके रहेगा, ठीक है, छप गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, सभी को ज़रूरत है, हेल्प करो सबकी, ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।